नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो हरियाणा के अंदर हरियाणा टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन की वेबसाइट पे जाके जो L12 लिकर का जो लाइसेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं। अब आजकल यह ऑनलाइन कर दिया है, यह किस काम आता है आपको यह भी बता देता हूँ। जैसे कि हमारी शहर के अंदर, सिटी के अंदर किसी भी पैलेस में या कोई हम प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम लिख कर, यानी कि शराब, जिसको शराब हम पिलाते हैं तो उसमें लाइसेंस होना जरूरी है, जिसको हम L12 लाइसेंस बोलते हैं। अगर आपके पास L12 लाइसेंस नहीं और आप शादी में कहीं फंक्शन में शराब पिला रहे हैं तो आपके आपको जुर्माना लगाया जा सकता है एक्साइज विभाग के द्वारा, यानी आबकारी विभाग के द्वारा। तो आज इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, कमेंट में कोई सवाल पूछ सकते हैं और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, लाइक भी कीजिएगा। आइए आज हम आपको बताते हैं कैसे आपने इसको ऑनलाइन करना होता है फॉर्म को। उसके बाद विभाग में सबसे पहले आपने गूगल में लिखना है हरियाणा टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आप हरे रंग का यहाँ पे आपने ऐसा ऐसा जो एक पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, इसके नीचे आप सरकाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो इसके नीचे आपको यहाँ पे ग्रीन रंग का यहाँ पे मिलेगा फॉर मैरिज, यहाँ पे लिखा ऑप्शन, इस पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसके बाद आपके सामने ऐसा फॉर्म आएगा, उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर अपना नाम करना है, जिसके नाम आपने लाइसेंस बनवाना है उसमें कोई भी हो सकता है, शादी में इसका कार्ड में नाम हो, शादी का जो कार्ड था उसमें इसका नाम होना जरूरी है यहाँ पे रूल के अनुसार। सबसे पहले नेम डालना, फिर ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, नीचे डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका फंक्शन है वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइम देना है कि किस आपका दिन में है या रात में, यहाँ पे टाइम फिल कर देना है। उसके बाद आपने कितने दिन का आपका प्रोग्राम है, नंबर ऑफ वेन्यू यहाँ पे दिया गया, स्थान आपको यहाँ से चूज मिलेगा आप किस होटल में करना चाहते हैं प्रोग्राम। और उसके बाद आपने नीचे भी अपना नियरेस्ट पुलिस ऑफिस डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फंक्शन टाइप करना, आपका मैरिज का है, संगीत का, जो भी हो आपका, या वैसे पार्टी है। उसके बाद यहाँ पे एंडिंग डेट देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप शहर में कर रहे हैं तो किसी पैलेस वगैरह में जो सरकारी रजिस्टर्ड होती है, लिमिटेड होती है, तो आपने कॉमर्शियल करना। अगर आप प्राइवेट करना, यानी कि आप गाँव में या घर पे कहीं भी करते तो आपने प्राइवेट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे कैटरिंग जो होता है, यानी कि जो शादी में जो चीज़ें यूज की जाती है, जो कैटरिंग होता है उसका, अगर आप कई बार वो पैलेस का ही होता है तो अगर आप किसी अन्य से करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हो, कैटरिंग का TI नंबर, लेकिन यह मोस्टली कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आपने यहाँ पे IMFR डाला, आपने कितनी शराब की बोतल चाहिए, पेटी चाहिए, कितनी बियर की चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके नीचे ना यहाँ पे पैसे शो हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अगर आपके पास 10,000 रजिस्टर्ड है तो आपके पास 5,000 का है, अनरजिस्टर्ड है तो आपके पास 10,000 का कुछ पेमेंट देना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा, इस तरह से आप बिल्कुल देख रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है अपलोड करना, उसके बाद ऐसे ऑप्शन आएगा, ठीक है, अपलोड कर देने के बाद। उसके बाद नीचे अगर आपने कोई और अपलोड करना तो यहाँ से आप देख चूज करोगे अपलोड कर सकते हो। तो उसके बाद आपने यहाँ पे येस या नो का ऑप्शन आप देख लेना, डू यू वॉन्ट टू, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर यूज करना चाहते हो, यस करना है तो आपने नो करना, नो ही करना लगभग। उसके बाद आपने प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस के क्लिक करने बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फीस जो आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन फी यहाँ पे शो कर रहा है 5,000, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड होता आपको 10,000 आता। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन मोड और मैनुअल पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप ऑनलाइन मोड करोगे तो आपको PNB बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो, मैनुअल करना तो मैनुअल पे क्लिक करके आपने प्रोसेस कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैं, तो PNB बैंक का हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैनुअल चलाना, आप इन चला यहाँ के निकाल सकते हो, इन तीन बैंकों के IDBI का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने चलान प्रिंट करना और प्रोसेस कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसे आएगा आपका जो प्रिंट, यहाँ से देखिए व्यू चलान प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट रिसिपेंट, यानी कि इसका रिसिपेंट भी आपने निकालना पड़ेगा और चलान का रिसिपमेंट भी। ये दोनों आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, रसीद को बैंक में जमा कराना, वहाँ से चलान कटाना। उसके बाद यह जो फार्म रिसिपेंट आप देख रहे हैं यह, और जो प्रिंट आपने पेमेंट दी है उसका एक वाउचर आपको दिया जाएगा बैंक के द्वारा, वो यानी कि दो वाउचर आपको दिए जाएंगे, तीन में से एक बैंक रखेगा, एक आपने रखना होगा, एक आपको वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा कराना साथ में यह है। उसके बाद आपको विभाग द्वारा लाइसेंस बना के आपको दे दिया जाएगा, तब आप आसानी से शराब पिला सकते हैं अपने
किसी भी फंक्शन में। तो दोस्तों अगर कोई आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में सवाल लिख डालिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।